महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़ा के दो साधुओं की भीड़ के द्वारा निर्मम हत्या करने के बाद संतों और अखाड़ा परिषद में काफी आक्रोश है। महाराष्ट्र में दो साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर देने की घटना से वाराणसी के संतों में भी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। साधु संतों के साथ हुई मॉब लिंचिंग की इस घटना के बाद सभी मठों व अखाड़ों के संतों ने ऑनलाइन बैठक कर इस घटना की निंदा की है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हादसे में मृत साधुओं को इंसाफ के लिए आंदोलन करने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से कल महाराष्ट्र की घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दी है और आप लोग जान रहे हैं कि एक जो है जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, आप देख रहे हैं कि प्रशासन के सामने, और वो भी एक आध पुलिस वाला नहीं है, वहाँ पर 15 से 20 की संख्या में पुलिस वाले हैं और लाठी डंडा से संतों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इससे वहाँ की सरकार क्या दर्शाना चाहती है। इसलिए आज पूरी जन हमारे आक्रोश हैं, हमारी पूरी संत समाज आक्रोश है, हमारे हर एक अखाड़े आक्रोश हैं, हमारे जितने संत समाज हैं, मंडलेश्वर हैं, महापुरुष हैं, सभी आक्रोशित हैं। इसलिए अब अगर वहाँ की जो है जो सरकार है उसने जल्दी से शीघ्र से उनकी गिरफ्तारी करके और कठोर दंड नहीं दिया गया, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई, तो हम पूरी संत समाज एक होकर के अखाड़ा परिषद के नेतृत्व में हम कूच करेंगे वहाँ पर और महाराष्ट्र पर हम लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए क्योंकि यह साजिश के तहत कार्य हुआ है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर कोई वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने जब हम सुरक्षित नहीं हैं, जब हम शासन के सामने संत समाज सुरक्षित नहीं है, तो आप बताएं कि फिर हम कहाँ सुरक्षित होंगे। ऐसी दृष्टि में अखिल भारतीय संत समिति का, क्योंकि मैं प्रदेश का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती जी महाराज ने पदाधिकारियों से चर्चा की, बैठक बात की है और उन्होंने मुझे सवेरे कहा है कि आप इस पर बयान दें कि अखिल भारतीय संत समिति अखाड़ा परिषद के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेगी। जो भी अखाड़ा परिषद निर्णय लेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर अखाड़ा परिषद कूच करता है तो यह अखिल भारतीय संत समिति पूर्ण रूप से कूच करने के लिए तैयार है। और जैसा कि आप जानते हैं, भगवा ओम सेना भी, जिसके हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, वो भी पूरी सेना हमारी साथ चलने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय ब्यास संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा ब्यास संघ मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो आज यह पूरा जलद मुद्दा बन चुका है, यह केवल दो संतों की बात नहीं है, यह सनातन धर्म संस्कृति की बात है। जिस प्रकार से हमारे संस्कृति के साथ कुठाराघात हुआ है, संतों को लाठी डंडे से मार मार पीट पीट के मार दिया गया है, ये पूरा देश आज रो रहा है, पूरे देश में आक्रोश है। इसलिए हम अब शांत नहीं बैठेंगे, पूरी जन सर्विस बस लॉकडाउन के कारण हम लोग अभी तक मठों के अंदर हैं, फिर भी हम ऑनलाइन सब महात्मा चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका आगे प्रस्तुतकार किया जाए, कैसे इस पर जो है निर्णय लिया जाए, क्या इस पर कार्य किया जा सकता है। हम सभी आपस में संत समाज बैठ करके निर्णय ले रहे हैं और ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही इस पर बिल्कुल देखिए हमारे यहाँ खाकी अखाड़ा के महंत जी अभी ऑनलाइन थे थोड़ी देर के पहले, वो भी का नाम से इस पर तैयार हैं। अखिल भारतीय संत समिति के जो प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती जी महाराज, उनसे मेरी बात भई है। अयोध्या के सभी संतों से लगभग बात हो चुकी है, जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने भी पूरे रूपेण से सहमत जताई है। और जैसा कि अखाड़ा परिषद के नंदगिरी जी महाराज ने भी कल बयान जारी कर दिया है कि लॉकडाउन के बाद हम लोग कुछ करेंगे, तो उनके साथ पूरी संत समाज है। और आपके राजस्थान से, महाराष्ट्र से, हर जगह संत जो है तत्पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि बस केवल ये लॉकडाउन खुलने की देरी है, हम लोग सभी पर अब बैठेंगे नहीं। ठाकुर जी से कल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लोगों ने बातचीत की है, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है, और उन्होंने पूर्ण विश्वास अभी तत्काल दिलाया है। लेकिन अगर वह विश्वास पर खड़े नहीं उतरते हैं और उनको फांसी की सजा नहीं होती है जिन साधुओं को जिन्होंने मारा है, तो हम इस पर शांत नहीं बैठेंगे, हम कुछ जरूर करेंगे। देखिए उसमें एक वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सभी, और जो एक तरह से मुझे साजिश लग रही है इस पर, क्योंकि पुलिस वहां पर खड़ी है और साधु अपनी रक्षा करने के लिए पुलिस की ओर भागता है, पुलिस धक्का मार करके पब्लिक की तरफ कर देता, पुलिस चाहती तो फायरिंग हवाई फायरिंग करके भीड़ को तितर बितर कर सकती थी, लेकिन नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, खड़े खड़े पिटवा रही है संतों को और देखते देखते जान चली जा रही संतों की।
क्या जानकारी हो गई है? बिल्कुल घटना की कोई बहुत बड़ी उसमें वो नहीं है उसे, क्योंकि उनके गुरुजी का निधन हो चुका था, स्वर्गवास हो चुका था, तो वो लोग जो है अपने गुरुजी की समाधि में जा रहे थे और उसी समय रात्रि के काल में जब जा रहे थे तो भीड़ ने बीच में रोकने की कोशिश की, गाड़ी को रोका गया, तो इन लोगों ने ये शोर मचाया कि ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, ऐसा झूठा आरोप करके और पत्थर लाठी मारना प्रारंभ कर दिया। पुलिस आई, पुलिस भी मौन होकर देखती रही और पब्लिक ने गाड़ी से निकाल करके साधुओं को मार मार करके हत्या कर दी। बिल्कुल मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है, हम लोग और इस पर संपर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन बात होने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन बात होकर के इस पर क्या डिसीजन लिया जा सकता है।